छत्तीसगढ़ में चुनावी समीकरण काफी तेज हो गया है। अब तीसरे चरण के मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। आज इसी कड़ी में बिलासपुर लोकसभा के चिल्हाटी और मस्तूरी में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और कांग्रेस को सीधे ललकारा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बीते 5 सालों में केवल और केवल लूट मचाए रखा है। वहीं भाजपा की सरकार आते ही मोदी की गारंटी को पूरा किया जा रहा है। विष्णुदेव साय ने आम जनता से बिलासपुर लोकसभा के तोखनलाल साहू को प्रचंड मतों से जीत दिलाने की अपील भी की। भुवन यादव के सम्माननीय विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुखिया जो मोदी की गारंटी को केवल उमल्ला सरकार से आउट कर दे हैं, हमारे मुख्यमंत्री ला सब ला खड़े होकर एक बार आभार व्यक्त करा हमारे विष्णुदेव साय जी ला, लाडला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। आज संतोषी भोई जी, जोहन वस्त्रकार जी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जब से करी थे, आज पाकिस्तान के हिम्मत नहीं होते कि भारत ला गिदड़ भपकी दे। बात सही है ना? तो ऐसे प्रधानमंत्री ला हमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और इसलिए हमर बिलासपुर क्षेत्र के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं तोखन साहू, जो पहले विधायक और संसदीय सचिव के रूप में आप मन के बीच में काम कर चुकी हैं, वो हमर पार्टी के हमर नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। आने वाला 7 तारीख के उमल्ला आशीर्वाद देना है, कमल छाप में वोट देके श्री तोखन साहू जी ला आशीर्वाद देना है। और ये जो कांग्रेस मल्ला इस समय ये छत्तीसगढ़ में खाता भी खोलने देना नहीं है, जैसे विधानसभा के चुनाव में उमल्ला सरकार से आउट कर दे हैं, 54 सीट लेके 40% से ज्यादा वोट आपन देके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला बैठा हो, वैसे ही ये ठगरा लबरा कांग्रेसिया मन ला इस समय लोकसभा के एक भी सीट छत्तीसगढ़ में लेने देना नहीं है।